यहाँ ग्रामीणों ने कुछ दिनों से धारणा दिए हैं, 25 तारीख से धारणा दिए हैं। क्या धारणा का मेन मकसद जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कुछ दिन पहले कुछ ग्रामीणों को इस कंपनी से निकाल दिया गया था। सारे मामला को जानते हैं, क्या है मामला और कब तक इन लोग धारणा में रहेंगे और कंपनी किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार कर रही है, सारी कुछ बातें ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। मैडम जी है जो कि जेबी के सबसे सक्रिय सदस्य है, आगे आ जाइए ना, बात करने का प्रयास करते हैं। आगे आगे आ जाइए। कितने दिन की धारणा श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, लेकिन पहले हम लोग आए हैं एसएससी में स्थापित है, दी गई है उनके यहाँ पे आए हैं कि देखिए सभी तो वहाँ पे माल्यार्पण करने जा ही रहे हैं और शिक्षा के प्रथा है एक सिद्धांतिक जो लेके चले झारखंड आंदोलनकारी कहें उनके नाम से कितने सारे राजनीतिक सामाजिक संगठन चल रहे हैं। बहुत दुख के विषय कि ये लोग देखिए एक महीना में इतनी शीत लग रही, ठंडा में यहाँ पे दिन रात धरने पे बैठे हैं, क्या प्रबंधन को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए। जहाँ हम लोग माल्यार्पण जा रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े अपने विचार लेके मतलब सब अपनी शक्ति प्रदर्शन करने बोला जाए तो जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ गए हैं डायरेक्ट यहाँ एसएससी में कि देखिए कि हमारे लोग जो यहाँ बूढ़ी माताएँ बहने सभी हैं, देखिए एक महीना से किस तरह ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा है किस कारण ये लोग बैठे हैं। क्योंकि बीच में बारिश भी आया था, 3-4 दिन बहुत सारा अंतर आया था बारिश में, फिर भी यही लोग टिके हैं। तो क्या सिर्फ माल्यार्पण हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन करके रह गया है कि हम लोग उनको उनकी समाधि पर एक माल्यार्पण करें, उनके विचार पर चलें, विचारों पर आखिर कौन चराई थी जो लड़के यहाँ युवाएँ आए कहीं ना कहीं शिक्षा से प्रेरित होकर युवा शक्ति है सारी ये लड़के, तब ये यहाँ ये एक अत्याचार जो शोषण का शिकार है उन लोगों के लिए आए हैं, ना कि हम लोग अपना डीजे अब देख रहे हैं कि एक आया है कि इनके बचाव के लिए समर्थन के लिए बोला जाए तो, लेकिन हम लोग ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि विनोद बाबू के जो विचार थे जो सिद्धांत थे वो आखिर कहाँ चल रहा है, कहाँ लागू हो रहा है। इतनी इतनी राजनीतिक पार्टियाँ आई, सब तो लड़ रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इतनी देखिए सब जमीन देखिए यहाँ पे बैठे हैं रैयत लोग, शर्म नहीं आ रहा है प्रबंधन का कि इनकी जो जायज मांगे वो पूरा किया जाए, बहुत भी दुख का विषय है। इसलिए हम लोग पहले यहाँ आए हैं एसएससी में इनके जो आंदोलन कर इनका समर्थन करने के लिए, उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे विनोद बाबू को सहायता करने। अच्छा क्या हुआ था, कैसे हाँ